आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी और बहुत ही खस्ता एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बेसन की पापड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत ही प्यारी और यमी सी रेसिपी लाई हूँ, जिसे आप लोग देख के एकदम खुश हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी से अच्छी रेसिपी लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं आप, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन की छोटी सी घंटी होगी, उसे भी आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्लिक कर लीजिए। और सब्सक्राइब लाल कलर का होता है, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ हमेशा बने रहने के लिए बेल आइकन क्लिक करना बहुत जरूरी होता है, छोटी सी जो घंटी होती है ना उसे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लगाएंगे मैदे का डो, क्योंकि मैदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल चिपकता नहीं इसलिए। और इसमें हम डालेंगे नमक, नमक थोड़ा कम ही डालना है, और डालेंगे हम ये अजवाइन। और बस आप अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। अजवाइन और नमक को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना होगा। मैं अच्छी तरीके से अजवाइन नमक को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोयन, और मोयन 3 से 4 स्पून के करीब हम डाल देते हैं, और मोयन को भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। मोयन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। मैदे का डो मैंने लगाकर तैयार कर लिया है अच्छी तरीके से, देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है। तो इसे ले लेते हैं हम एक कटोरी, और कटोरी में इसे डाल के रख देते हैं कवर करके साइड में। और अब हम इसी बाउल में बेसन को तैयार करेंगे, बेसन का डो, और सेम प्रोसेस से हमें नमक और अजवाइन इसमें भी डाल देना है। नमक अजवाइन डालने के बाद इसमें भी हम डालेंगे थोड़ा सा मोयन, और अच्छी तरीके से मोयन को हमें मिक्स करना है। मोयन को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका भी डो तैयार कर लेते हैं। बेसन का डो मैंने तैयार कर लिया है, देखिए इसका भी डो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और पानी आप 1 बैग मत डालिएगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी गीला हो जाता है। तो इसे रखते हैं हम साइड में, और ले लेते हैं हम अपने मैदे को इस तरीके से, और कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हम डो से इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनाएंगे, जैसे कि हम रोटी की बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी रखनी होगी। ऐसे इतनी बड़ी मैंने लोई बनाकर तैयार कर ली है। सेम इसी तरीके से हमें सारी लोई अपनी बना लेनी है। मैदे से सारी लोई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। और अब हम ले लेते हैं ये बेसन, बेसन से हम थोड़ी छोटी लोई बनाएंगे। मैंने बेसन से भी सारी लोई बनाकर तैयार कर ली है, इससे थोड़ी सी छोटी ही लोई मैंने बना रखी है। आप भी ऐसे ही छोटी बनाइएगा, इससे थोड़ी सी और भी छोटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा, तो पहले हम इसे बड़ी कर लेंगे। ऐसे बड़ी करने के बाद हम रखेंगे ये बेसन की लोई जो हमने बना रखी है। अब दोनों लोइयों को हम उठाएंगे और सूखे मैदे में इस तरीके से डिप करेंगे। सूखे मैदे में लपेटने के बाद हमें इसे बेलना है, और इसीलिए मैंने अलग अलग डो लगाया है। आप चाहे तो घी लगा के भी बेल सकते हैं, बट इतना अच्छा बेला नहीं जाएगा। अब हम इसे बेल लेते हैं। मैंने बेल कर तैयार कर लिया है, तो अब ये फूले नहीं, इसके लिए हमें लेना है फोक, और फोक से हम होल्स कर लेते हैं साइड में और बीच में भी, हर जगह होल्स करना होगा। अच्छी तरीके से मैंने होल्स कर लिया है। अब हम इसे ऐसे उठाएंगे, और उठाने के बाद हमें रखना है प्लेट में, और सेम इसी तरीके से सारी अपनी हम पापड़ी बना लेते हैं। सारी पापड़ी हमारी बनकर तैयार है, और देखिए कितना फाइनली लुक एक मिल जाता है हमें, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पापड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे तेल में डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो सिल्वर फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो छोटी पापड़ी बना सकते हैं, मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है। रिफाइंड ऑयल को हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, और हमें मीडियम टेम्परेचर पे तेल गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। तो देखिए डो हल्के हल्के सिक रहा है, तो बस इतना ही तेल हमें गरम चाहिए, इससे ज़्यादा हम तेल को गरम नहीं रखेंगे। अब हम एक एक पापड़ी को अपने उठाएंगे और हाथ को बचाते हुए तेल में डाल देते हैं, और पापड़ी आराम से ऊपर आनी चाहिए, तभी ये खस्ता और क्रिस्पी कुरकुरी क्रंची बनकर तैयार होगी, वरना नहीं बनेगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
पापड़ी को मैंने अच्छी तरीके से लटते पलटते हुए पका लिया है और देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर और दूसरी पापड़ी को हाथ को बचाते हुए वापस से डाल देते हैं पकने के लिए। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहें तो इससे डार्क रख सकते हैं कलर या फिर इससे लाइट भी रख सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम सारी अपनी पापड़ी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारी पापड़ी हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया पापड़ी हमारी बनी है। आप भी ज़रूर ऐसे पापड़ी बनाकर ट्राई। मैंने यहाँ पे देखिए दो तरीके से कलर को निकाल रखा है। एक तो मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, एक डार्क रखा है। तो देखिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। और चाहे तो आप इस तरीके से निकालें, चाहे तो इस तरीके से निकालें, दोनों ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हैं। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे टूटे हैं ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से टूटते हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे और चाय के साथ सर्व करेंगे तो एकदम सब खुश हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, देखिए खा के तो मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे बना कर रख लीजिए और महीने भर स्टोर करके खाते रहिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ऐसे अगर बना लीजिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दो बेल आइकन की छोटी सी घंटी है, उसे भी आप क्लिक कर लीजिए। तो लीजिए, खा लीजिए, मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर घर पे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।